बैंकॉक MBK सेंटर, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो बैंकॉक थाईलैंड में है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है लोकल्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। ये MBK सेंटर, इसमें बहुत मतलब वाइड वैरायटी है दुकानों की, में जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं। और ये जो मॉल है ये बैंकॉक में जिस एरिया में लोकेटेड है उसको कहते हैं पैथमवान डिस्ट्रिक्ट, और ये बहुत ही आसानी से इस तक रसाई है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप कोई मेट्रो लेते हैं, कोई बस लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हैं, 3-4 मुख्तलिफ मेट्रो लाइन्स यहाँ से गुजरती हैं, और बसेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब आसानी से आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे। और इस मॉल के तकरीबन 8 फ्लोर हैं, और ये 2000 इसमें शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट भी कारोबार के हैं यहाँ पे। और ये जो शॉप्स हैं ये मतलब बहुत वाइड वैरायटी की प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, जिनमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, सुवेनियर्स वगैरह वगैरह। और इसमें मज़ीद अगर हम आगे चले तो जो MBK सेंटर है इसमें सिनेमा, फूड कोर्ट और इंटरटेनमेंट के दूसरे ऑप्शन भी हैं, और ये रोज़ाना 10 से 10 खुलता है ना। तो ओवरऑल इसका ये है कि MBK सेंटर जो है आप लाजमी विज़िट करें, ये डेस्टिनेशन है मतलब बहुत अच्छी जो शॉपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बैंकॉक में उनके लिए। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मेट्रो की मुख्तलिफ लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, 3 मतलब और इससे भी ज़्यादा लाइंस हैं, लेकिन जो है ना यहाँ से तकरीबन 3 लाइंस यहाँ से जो जा रही हैं मेट्रो मुख्तलिफ जगहों पर इस पॉइंट से, और ये नहीं पता कौन सी किस डायरेक्शन को जाती है। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये स्काई गार्डन है, और ये सिटी सेंटर के अंदर की जगह है और काफ़ी ही बिजी एरिया है, और थ्रू आउट ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है, सारी होटल्स हैं आसपास में, और टूरिस्ट का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे हजूम रहता है। और यहाँ पे ऊपर ही सामने स्काई गार्डन है, और इसके अलावा ये जो सामने एक बड़ी बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग जहाँ से आप स्काई व्यू ले सकते हैं 360 पूरे बैंकॉक का। और इसके ऊपर जो है ना इन्होंने एक ब्रिज सा बनाया, तो मतलब एक फ्लोर बनाया हुआ है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, और आप बिल्कुल पूरा आप 300 मीटर से नीचे देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है नीचे। तो ये है इसका जो है ना इस जगह का अहवाल, और यहाँ पे लोग आके जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और अपनी फ़ोटोशूट लेते हैं, और ये एक मतलब बहुत पॉपुलर ये है पॉइंट है ये टूरिस्ट के लिए। और लोग ये ब्रिज से नीचे से ऊपर आते हैं, और ये बिल्कुल रोड के दरमियान में सड़क से ऊपर नीचे ट्रैफिक जा रही है सारा कुछ, उसके ऊपर जो है ना यहाँ पे इन्होंने एक गार्डन सा बनाया हुआ है, इन स्काई गार्डन बहुत ही अच्छा है, यानी एनवायरनमेंट वहाँ पे बना हुआ है, और मतलब ऊपर आपकी मेट्रो जा रही है, नीचे ट्रेन सॉरी ट्रैफिक कार्स वगैरह जा रही है, और ग्रीनरी उन्होंने बनाई हुई है, और जो है ना साथ ही बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो ये काफ़ी मतलब पॉपुलर भी जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है, लोग बड़ा आके इन्जॉय करते हैं। और देखिए स्काई गार्डन यहाँ पर कितना मतलब अच्छा लग रहा है, और ये काफ़ी पॉपुलर है इस पूरे एरियाज में, मतलब थाईलैंड में, मलेशिया में और सिंगापुर में ये स्काई गार्डन अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर अच्छे पौधों को इन्होंने जो है ना मॉट्स में ऐसे रखा हुआ है ज़मीन से ऊपर मतलब, और इस तरह से कुछ है। और ये काफ़ी बड़ा है ना बैंकॉक मतलब, और ये बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल भी है, और ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया भी है रहने के हिसाब से भी, और मूव करना हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वो जो स्कूटी होती है और वो जो रिक्शा जिसे टुक टुक कहते हैं वो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग टैक्सी से ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों पे मूव करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना रश होता है तो गाड़ी में आप फंस जाते हैं, तो जो स्कूटी होती है या जो वो रिक्शा होता है उससे आप जल्दी से अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और ये आर्ट सेंटर में है, यहाँ पे आर्ट थाईलैंड का जो बैंकॉक का जो आर्ट एंड कल्चर सेंटर है वो भी यहीं पे है, ये सामने वाला, ये मतलब सिटी ऑफ लाइफ, सिटी ऑफ स्माइल, सिटी ऑफ फ्रीडम इस शहर के नाम है। तो इस तरह से कुछ है इसका अहवाल, और काफ़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे आसपास में है जो कि तकरीबन होटल्स हैं, और वैसे रहने के लिए भी बड़ी बिल्डिंग्स ही हैं ना सारी,
और ये द सैम डिस्कवरी यहाँ पे एक है जगह, और यहाँ पे एकोरियम भी है यहाँ पे, और आर्ट काफ़ी सारा है, मतलब हर एक मिनट पे इधर से उधर ट्रैम जा रही है, और ये इस तरह से लोग यहाँ के तस्वीर खींचते थे, इस तरह से बना हुआ था, तो काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह थी, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे वो फोटोग्राफी कर रहे थे। और जब आप सर्च करते हैं ना कि बैंकॉक में घूमने की जगह या टूरिस्ट प्लेस, तो उसमें ये सबसे पहले ये वाली जगह आती है, MBK सेंटर, स्काई गार्डन। तो आप किसी भी मेट्रो से, ये वैसे यहाँ पे जो मेट्रो का स्टेशन है उसको क्या स्टेडियम कहते हैं, मतलब स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। और ये है कुछ अहवाल, तो देखिए देखिए ये सामने हर जगह पे ना, यहाँ पे आर्ट, बैंकॉक की जो आर्ट एंड कल्चर सेंटर है, इसके ऊपर मतलब ऊपर बाहर भी आर्ट हुआ खड़ा है, इसके बाहर अपना स्क्रप्चर्स पड़े भी हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर ना जो है ना आपको इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, अपनी हिस्ट्री की इस तरह की चीज़ें जो है ना अंदर पड़ी हुई है। जब आप अंदर जाते हैं तो मतलब क्या वो उनके क्या कहते हैं उसको, जो पोइट्री होती है वो, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, कुछ टूल्स हैं। तो ये तकरीबन 6-7-8 फ्लोर की बिल्डिंग है, और थ्रू आउट इसी में उनके कल्चर से रिलेटेड सारा कुछ जो है ना बताया गया है। और काफ़ी यहाँ पे वो देखे ऐड की जो है ना LCD, जो डिजिटल एड बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कि ट्रैफिक कैसे मूव कर रही है, अगर और भी कुछ है इसमें ना, काफ़ी अट्रैक्टिव वाली जगह है ना, मतलब काफ़ी अट्रैक्शन वाली जगह है, और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है इस जगह को उन्होंने। तो थ्रू आउट मैंने जितने भी लोग देखे सारे टूरिस्ट ही थे, और यहाँ से आपको MBK सेंटर जाने का रास्ता भी मिलता है। आप MBK सेंटर अंदर जाके फूड खाना चाहते हैं, फूड कोर्ट में आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी मशहूर है कि यहाँ पे ना हर जगह पे जो बुद्ध मत का जो है उनका जो उन्होंने बनाया होता है पूजा करने वाली मंदिर जो होता है बुद्ध मत का, तो वो जगह जगह पे इन्होंने बनाए हुए हैं, हर रेलवे स्टेशन पे, हर पॉइंट पे जहाँ से वो फील करते हैं कि यहाँ से जो है ना, मतलब हर कुछ चौक पे बनाए हुए हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ से ना लोग ज़्यादा गुजरते हैं। अच्छा, इंडिविजुअली भी लोगों ने अपनी कंपनियों के आगे अपने, मतलब जिनके पास ऑफिस हैं बड़े या कंपनी है थोड़ी सी, उनके पास जगह है फ्रंट पे, तो वैसे बना देते हैं। तो अच्छा, इनका ये तरीका होता है कि ये पानी रख देते हैं पूजा करने के लिए। ये जो बड़ा बुद्ध मत का टेंपल है उसकी ये तस्वीर इन्होंने बनाई हुई है, और ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे रिलीजन में जो है ना किस तरह से इबादत की जाती है। और ये मीठा रख देते हैं, कुछ पानी रख देते हैं, अगरबत्ती रख देंगे। ये हमने देखे ये साइंस भी मतलब बने हुए हैं कि आप क्या क्या जो है ना आप रख के पूजा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। तो हाथी जो है ना इस बुद्ध मत में उसको बड़ा मुकद्दस माना जाता है, और वो भी उसकी भी आपको वहाँ पे मिलती है ना, मतलब मूर्ति मिलती है जहाँ पे बुद्ध मत का वो बाकी पानी भी पड़ा है, अगरबत्ती भी कुछ है, और गोल्डन जो बुद्ध है दुनिया का सबसे बड़ा, वो भी यहाँ पे है बैंकॉक में, देखिए हाथी पड़े हैं। और जो है ना ये जो यहाँ पे जो बिल्डिंग इनकी इनकी जो मतलब इमारत की जो ऊपर की शेप होती है ना रूफ वाली जगह की, वो ऐसे मतलब टेपर टाइप की होती है जैसे इसमें आपने को नज़र आ रही है, और ये बुद्ध मत का साइन भी है। और ये इससे ना यहाँ पे चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इस ये भी एक वजह है कि जो है ना ये इस तरह से अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। और ये जो बुद्ध मत के जो लोग हैं इनका और चाइनीज़ का काफ़ी सारा आपको ना फील होता है, इनका कल्चर, इनका खाना पीना, इनका रहना, ये काफ़ी चाइनीज़ से मिलता जुलता है। ये देखें यहाँ पे जो है ना वो जो चाइनीज़ की वो जो एक ख़ास किस्म का एक रेड कलर का वो होता है ना बलून जो होता है वो, और ये जो कैट है पता नहीं क्या वो ऐसे हाथ हिलाती है, ये भी चाइनीज़ का बहुत पॉपुलर वो है ना साइन या क्या कह लें इसको, एक उन्होंने बनाया हुआ है एक अपना स्पेशल अपने रिलीजियस के लिए जो है ना, एक बिल्ली है वो ऐसे हाथ हिलाती रहती है एक साइड वाला वो वाला। तो ये ना काफ़ी काफ़ी सिमिलर है, और नेचुरली आपको फील आती है ना कि मैं शायद
किसी और जगह नहीं, मैं उसमें हूँ। इनकी बिल्डिंग्स के बनाने का तरीका वही, वो भी इनकी भी वैसे होती है ना, मतलब ऊपर से पेपर टाइप। तो ये अंदर कुछ एमबीके सेंटर की ये कुछ मनाजिर हैं कि अंदर जाके एमबीके सेंटर के अंदर क्या कुछ मिलता है। मैं एमबीके सेंटर गया तो यहाँ पे ये फूड कोर्ट, आइसक्रीम की दुकानें थी अंदर, जो है ना जूतों की, बाटा की, ये तो इस तरह काफ़ी काफ़ी सारी जो है ना भीड़ थी। तो ये है, और अंदर मतलब हर चीज़ तकरीबन आपको मिल जाती है जो चीज़ आपको चाहिए। यहाँ पे एक्सचेंज भी है, आप मनी एक्सचेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा जो है ना, अगर आप और आप मतलब कुछ भी आप लेना चाहें आपको मिल जाता है आसानी से। और जो है ना, अगर आप एयरपोर्ट से नहीं कराई तो आप सेंट्रल वर्ल्ड से किसी से जगह से करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिम जो है ना आपको मिलती है 7 दिन में जो है ना, 600 की एक 700 की है। वो जो 700 की है वो 5G है, और उसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड डाटा 15 दिन के लिए, 700 थाई बात, और अनलिमिटेड थाईलैंड के लिए वो भी मिलेंगे आपको थाई मिनट्स, और 100 थाई बात के आपको क्रेडिट मिलेगा जो आप कॉल्स कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो उसकी जो करेंसी है थाई बात है। और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पे ना शॉपिंग करने के लिए, हर तरह की तकरीबन दुकान थी, और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे इस मार्केट में। तो ये था कुछ अहवाल इस मार्केट का अंदर से, और काफ़ी मतलब वो था रौनक वाली जगह थी, आपको बाहर से भी अंदाज़ा हो गया होगा। और काफ़ी बड़ी थी ना, मतलब छोटी ये है नहीं है सेंटर, ये बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं ज़्यादा इतना दूर नहीं गया, मैं फिर इतना थोड़ा सा अंदर जाके फिर मैं वापस जाना जाने के लिए निकल पड़ा। तो ये है, ज्वेलरी ये हो गई आपको तकरीबन, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी, कपड़े, सारा कुछ जैसे हर मार्केट में मिलता मिल जाता है। इसके प्राइस कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे हैं ना। तो बस ये था, और फिर ये बैग थे यहाँ पे ना, अच्छे बैग थे, रिजनेबल प्राइस पे थे, मतलब इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। मैंने पूछा एक बैग तो ये कहने लगा कि ये है 4500 बात का कह रहा है। खैर, तो ये है।